त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारे देश की दो अमूल्य निधि आचार्य श्री के परम भक्त आगरा निवासी श्री पंडित रतनलाल जी बिनाड़ा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैनागम के ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा दिया, तथा गंज बासोदा निवासी श्री सुरेंद्र जैन जी, जो दयोदय महासंघ के महामंत्री के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान जीव रक्षा एवं दया के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे दोनों निधियों का आज आकस्मिक निधन हो गया। कटनी की समस्त जैन समाज, दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति और पूरा दयोदय महासंघ परिवार दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। यह जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। गुरुदेव, ऐसी महान आत्माओं का आकस्मिक निधन हमें यह सोचने को मजबूर कर रहा है कि उन्होंने जीवन भर पुण्य अर्जन किया और आज कहाँ चला गया। क्या इस दुर्घटना से ऐसे अन्य लोग हतोत्साहित नहीं होंगे? गुरुदेव, इन्हीं के भावों से मिलता जुलता एक प्रश्न डॉक्टर पीएन जैन टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे और श्री अजय सतना ने भी रखा है। गुरुदेव, वे कह रहे हैं कि आदरणीय बैनारा जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु कई जगह शांति धाराएं हुई, भक्तामर्जि का पाठ हुआ, तो भी उनकी इस प्रकार से असामयिक मरण क्यों हो गई, कृपया समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। सुरेंद्र जैन का देहावसान कल हुआ। आज सुबह मैंने उस व्यक्ति के बारे में चर्चा की थी। बैनाड़ा जी की चर्चा अभी आप सबसे की। निश्चित ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के बड़े मजबूत स्तंभ थे। बैनाड़ा जी के विषय में जैसे मैंने अभी कहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिन शासन की प्रभावना में अर्पित किया, इसी तरह सुरेंद्र भाई ने भी, जो बड़ा एक जुझारू और कर्मठ व्यक्तित्व का धनी रहा, जीव दया के संदर्भ में अपना सर्वस्व अर्पित किया। सवाल आया है कि दोनों का असामयिक निधन और उसी से मिलता जुलता कि इतनी शांति धाराएं और भक्तामर विधान क्या काम में आया। देखिए, हमें थोड़ा तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। हम जब पुराणों में पढ़ते हैं तो ये भी पाते हैं कि मुनि महाराजों का भी, अनेकों मुनि महाराजों का असामयिक निधन होता है। हमारे द्वादशांग में एक अनुत्तरोपपादिक दशांग है। अनुत्तरोपपादिक दशांग में हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनिराज ऐसे होते हैं जो महान तपस्या करते हैं और भयानक उपसर्ग से उनका दुखद अंत होता है और समता परिणाम से अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से आके एक भाव में मोक्ष जाएंगे। एक है अंतकृत 10, जिसमें अंत में इतना उपसर्ग हुआ कि उनकी पूरी आयु का क्षय होता है और उसी स्थिति में उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये सभी तीर्थंकरों के ओम, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ काल में नियमता होते हैं। ऐसे महान पुण्यशाली मुनिराजों का भी निधन, कोई जलकर, कोई बहकर, कोई जानवरों के द्वारा खाया जाकर, कोई भूकंप में फंसकर, कोई बाढ़ में फंसकर, कोई अन्य तरीके से, चारों प्रकार के उपसर्ग में कोई उपसर्ग, दारुण उपसर्ग। ये क्या है? यही है कर्म,
किसी की भी किसी भी रूप में परिणति हो सकती है। जब ऐसे ऐसे महामुनियों के जीवन में ऐसा प्रसंग घट सकता है तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं। इस संयोग है और संयोग को संयोग के रूप में स्वीकारना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर ज्यादा मत सोचो। शास्त्र कहता है जिसकी पूर्व में आयु बंध गई हो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और अकाल मृत्यु हो भी रही है और अंत में परिणाम है तो अच्छे हैं तो वो सदगति का पात्र बनेगा, क्योंकि उसकी आयु अंतिम समय में ही बंधेगी। ये बात बहुत गहराई से समझो, सिद्धांत की बात कह रहा हूं। अगर पूर्व में आयु बंध गई तो अकाल मौत होगी नहीं, और आयु नहीं बंधी है तो मरते समय ही आयु बंधेगी, तभी अकाल मौत होगी। तो जिन लोगों ने अतीत में अच्छे कार्य किए हैं वो मर करके भी अमर बनते हैं, ऐसा विश्वास रख करके हमें चलना चाहिए। इसको लेकर के कोई शोक चिंता नहीं। जहाँ तक शांति धारा और भक्तामर के पाठ का सवाल है, भैया ये सद्धान रखना ही मत कि शांति धारा से कोई अमर हो जाए। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। अगर मेरी आयु आ जाएगी तो मैं वज्र पटल के भीतर भी रहूंगा ना तो मुझे जाना पड़ेगा। वज्र कवच चारों तरफ चाहे जैसा बंकर भी मेरा हो ना तो भी मैं बचूंगा नहीं, समझ गए। तो ये तो आयु है, तुम्हारा शांति धारा और भक्तामर पढ़ना बंद कर दें, बंद मत करो। इससे हो सकता है कि उस व्यक्ति का पुण्य थोड़ा जाग जाए, उसके कर्म कम टले और उसको जो हो सो हो। हमारे मन की तो शांति है, पूजा प्रार्थना भावना से सेहत पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक सीमा तक। नहीं तो फिर तो ऐसा हो तो अस्पताल ही बंद हो जाए और फिर कोई मरे नहीं, ऐसी धारणा मत करना। शांति धारा का मतलब ये नहीं है, इस विश्वास से मत रखना अपने आप को कि शांति धारा करेंगे तो कुछ होगा, सब ठीक हो जाएगा। शांति धारा करेंगे कराएंगे तो कुछ हो या न हो, मेरा मन शांत बना रहेगा, ये भाव जगाओ। मन की शांति को पहले जगाओ, जगत की शांति की कामना करो। और एक बात बताऊं, आपके कटनी में ही हमारे संघ के मुनि राज थे प्रवचन सागर जी, कुत्ते के काट खाने से उनको हाइड्रोफोबिया हो गया था, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। उस हाइड्रोफोबिया के शिकार होने के समय दुनिया में आज तक उसका कोई इलाज नहीं है, कहते सिम्टम प्रोड्यूज हो जाने के बाद 72 घंटा से ज्यादा कोई बच नहीं पाता। कितनी जापे हुए, हम भी तो यहीं आ गए थे एक दिन में, कितने त्यागी व्रती थे उस समय कटनी में, कितना जाप पाठ हुआ, पर उस जाप पाठ से हम महाराज को बचा तो नहीं सके, और बचना भी नहीं था, ये तो तय था। फिर जाप पाठ का क्या असर हुआ? उस जाप पाठ का एक ही असर हुआ कि जो लक्षण कुत्ते को काटने के बाद पेशेंट में होते हैं वो एक भी नहीं दिखा। पानी की तरफ भागने का, भौंकने जैसा हरकत करने का, लोगों को पकड़ने जैसा करने का, कुछ नहीं हुआ। और हमारे आंखों के सामने
शांत परिणामों से उनका समाधि मरण हुआ भक्त प्रत्याख्यान के साथ। यह है शांति धारा का चमत्कार। इसलिए हम कोई भी बात करें तो तत्व ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में करें। वर्तमान में शांति धारा के प्रति लोगों का रुझान बहुत बड़ा, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन सिद्धांत सही होना चाहिए। शांति धारा पर अटल विश्वास रखना, पर अंधविश्वास मत रखना। कुछ हुआ तो शांति धारा से हो जाएगा, और हम लोगों की एक कमी है, हम महिमा मंडन करने के लिए, अरे महाराज जी से शांति धारा कराया ठीक हो गया। तो ठीक हो जाने का तो ठीक है, लेकिन जिसका ठीक नहीं होता तो ऐसा सवाल खड़ा होता है, कहां गई शांति धारा। एक बात को गांठ में बांध के रखिए, मरने जीने को कोई रोक नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। बस परिणाम को शांत रखो, हमारे हाथ में जो है वही हम कर सकते हैं। अगर उसकी आयु होगी तो बच जाएगा, आयु नहीं होगी चला जाएगा। कौन जीव का कब कैसा परिणमन हो जाए कौन जानता है। इसलिए कोई किसी महामारी का शिकार बनकर मरता है तो ये मत सोचो कि उसकी दुर्गति ही हुई है, ये तो उसके अंतिम क्षण के परिणामों पर निर्भर है। यदि उसके अंतिम क्षण में परिणाम अच्छे होंगे तो नियमता व सदगति का पात्र बनेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको आगम की बात बताई, आयु बंधने के बाद अकाल मरण होता नहीं है, और जिनका अकाल मरण होता वो मरते समय ही आयु बांधते हैं। वो जैसे परिणाम होंगे वैसा होगा, और ऐसी महामारियों में तो आत्मा पहले से सावधान हो जाती है। अगर पूर्वाभास हो जाए, अंदर से चेतना जाग जाए, तो उद्धार भी कर सकता है। मैं आप सबसे भी कह सकता हूँ, खुद के लिए भी कह रहा हूँ, क्या पता कब किसके साथ क्या हो जाए। तो कभी किसी के साथ हो ना ऐसी भावना भाव, लेकिन यदि कुछ हो जाए तो घबराना मत। अस्पताल भी जाओ तो अपनी चेतना को जगा के जाना कि मैं जाऊंगा तो भेद विज्ञान के साथ जाऊंगा, सम्यक दर्शन के साथ जाऊंगा, भगवान का नाम लेते हुए जाऊंगा, ये भाव गया पर भाव नहीं जाने दूंगा। ऐसी सोच बनाएंगे तो आप उसका वांछित परिणाम ले पाएंगे। तो मैं पुनः बैनाड़ा जी के प्रति और सुरेंद्र भाई के प्रति अपनी सद्भावनाएं प्रकट करता हूँ। दोनों के परिवार को यही कहता हूँ कि वो चले गए पर अपनी स्मृतियाँ छोड़ करके गए हैं। जाते तो रोज अनेक लोग हैं, लेकिन उनका जाना जाना नहीं माना जाता। जो जाने के बाद भी अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं, इनकी अमिट छाप है इनके कार्यों की, इनके कृत्यों की, और वही लोगों के लिए प्रेरणा मिलेगी। परिवार के लोग भी उससे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए, यही मेरा आशीर्वाद।